عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الأنفال آية نمبر 41. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. इस आयत मुबारक को पढ़ने और समझने से पहले तमहीदी तौर पे चंद बातों को समझ लें। माल गनीमत उस माल को कहते हैं जो काफरों के साथ लड़ाई करने के बाद अल्लाह ताला फतह की सूरत में मुसलमानों को अता करता है, उसको माल गनीमत। दूसरा, माल गनीमत की तकसीम का तरीका ये होता है कि इसको पांच हिस्सों में तकसीम किया जाता है, पांच हिस्से इसके बनाए जाते हैं। मसलन 100 रुपये अगर माल गनीमत है तो उसको 20-20 रुपये के पांच हिस्से बनाए जाएंगे। उनमें से जो 20 रुपये हैं ना, वो उसको साइड पे कर लिया जाएगा। इसको कहते हैं खुमस, पाँचवा हिस्सा। ये जो पाँचवा हिस्सा है, इसका इस्तेमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात, आपकी ज़रूरियात, गुरबा, फ़ुकरा, मसाकीन, इस तरह के लोगों पर होता था। और बाकी जो चार हिस्से हैं, ये उन लोगों में तकसीम किए जाते थे कि जो जिहाद के अंदर शरीक हुए। तकसीम का तरीकाकार ये होता था, जो पियादा गया था पैदल उसको एक हिस्सा मिलता, और जो सवारी लेकर गया था उसको तीन हिस्से मिलते, एक हिस्सा उसका और दो हिस्से उसकी सवारी के, और पैदल जाने वाले को एक हिस्सा। यूँ बराबर तौर पर आप इस माल को तकसीम कर दिया करते थे। दूसरी किस्म है जिसको माले फै कहते हैं। माले फै की कभी ये माले गनीमत के माना में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आम तौर पर माले फै उस माल को कहते हैं जो बग़ैर लड़ाई के ही काफिलों से मिल गया। उन्होंने सुलह कर ली, उन्होंने कहा हमसे जो लेना ले लो लेकिन लड़ाई नहीं करो, इसको माले फै कहते हैं, बगैर लड़ाई से। और बाज़ दफ़ा माले फै उस जिज़िये पर भी बोला जाता है जो सालाना मुसलमानों को काफरों की तरफ से टैक्स के तौर पर वसूल होता है, और बाज़ दफ़ा माले फै उस माल पर भी बोला जाता है कि एक ज़िम्मी काफिर आप मुसलमानों के मुल्क में रहता था, वो मर गया, उसका वारिस ही कोई नहीं है, वो माल भी आपके पास आ जाएगा, उसको भी माले फैल कह दिया जाता है। इन सूरतों पर माले फै के लफ, माले फै का उसूल ये होता है कि इसमें सारे का सारा माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से खर्च करेंगे, जिसको ज़रूरतमंद समझेंगे उसको देंगे। क्यों? इसमें मुजाहिदीन का कोई किरदार नहीं, मुजाहिदीन ने घोड़े दौड़ाए नहीं, लड़ाई की नहीं, ये बग़ैर किसी की मेहनत के अल्लाह ने काफरों पर रौब डाला और मिल गया। आज के दौर में माल फैज़ सारे का सारा अमीर के पास आएगा, अमीर जिसमें चाहे इंसाफ के साथ वो उसकी तकसीम कर देगा। दूसरी किस्म माल फैज़ की है। एक तीसरा आपका तरीका ये होता था, आप जब गज़वे के लिए जा रहे होते थे तो रास्ते के अंदर जो छोटे छोटे काफरों के, जो दहशत गर्दों के जो इलाके होते थे, आप उन इलाकों को भी फतह किया करते थे ताकि ये मुसलमानों को ज़र्र ना बचाएं। उसको फतह करने का तरीका ये होता था कि अगर आप जिहाद के लिए जा रहे हैं, जाते हुए अगर आप जिहादी दस्ता उधर भेजते कि जाओ इस इलाके को फतह करके आओ और जो गनीमत आए वो लेकर आओ, तो आप टोटल यहाँ से आने वाले माल को चार हिस्सों में तकसीम करते, चौथा हिस्सा आप उन मुजाहिदीन में तकसीम करते जो सिर्फ उस इलाके को फतह करने गए थे, और बाकी तीन हिस्से आम सारे मुजाहिदीन के अंदर तकसीम करते थे। और जब इस जिहाद से वापसी पर आप आते, क्योंकि अब थकावट ज़्यादा है, आप यूं करते थे कि अगर रास्ते में किसी ऐसे इलाके को फतह करना होता फिर आप मुजाहिदीन का दस्ता भेजते और जो माल गनीमत आता उसको तीन हिस्सों में तकसीम, तीसरा हिस्सा आप इस दस्ते के अंदर तकसीम करते,
जो उनको फतह करने गया था, क्योंकि छोटा दस्ता भेजा था ना, और बाकी दो हिस्से जो होते थे वो सारे लश्कर के अंदर तकसीम कर दिया जाता था। ये भी एक तकसीम की किस्म थी। एक किस्म थी सल्ब। सल्ब उसे कहते हैं जिहाद के मैदान के अंदर आपने एक काफिर को कत्ल किया, बाकी आपने गोलियां भी चलाई हैं, तीर भी चलाए, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके तीर और गोलियों से कौन मरा कौन मरा, लेकिन एक काफिर ऐसा है उसको आपने अपने हाथों से मारा। मारने के बाद उसकी तलाशी ली आपने, उसकी जेब से जो पैसे निकले, उसकी जो गन थी, उसका जो असलहा था, उसके बूट थे, उसकी वर्दी, जो भी चीज़ है उसकी, वो सारी की सारी चीज़ें आप उतार देते हैं। इस्लाम ये कहता है कि जिसने अकेले ने एक काफिर को कत्ल किया, उस काफिर से जो कुछ निकला ये सारे का सारा उसी का है, इसको सल्ब कहते हैं, छीना हुआ माल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम करते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल करते थे, हत्ता कि कीमती से कीमती चीज़ भी अगर होती थी ना किसी की, आप अमानत दयानत के साथ उसी को लौटा दिया करते थे जिसने किसी काफिर को कत्ल किया होता था, इसको सल्ब कहते हैं, ये आज भी है। और एक किस्म होती थी सफ़ी। सफ़ी ये होता था कि माल गनीमत तकसीम होने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से आपको जो चीज़ पसंद होती थी आप उसको ले लेते थे। मिसाल के तौर पे कोई तलवार है, बड़ी उम्दा तलवार, चूँकि आप से बहादुर कोई नहीं था तो आप ये समझते थे कि इस तलवार का हक मैं अदा कर सकता हूँ, आप उस तलवार को ले लेते। कोई सवारी ऐसी होती जो बड़ी उम्दा किस्म की सवारी होती, तो यही शायान शान था कि उम्दा किस्म की सवारी किसी उम्दा शख्सियत के पास जाए, और आपसे उम्दा कोई नहीं था। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता था जिस तरह के सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि ये पहले किसी एक सहाबी के जो है ना वो इस तरह आता है कि हिस्से में गई, लेकिन सहाबा इकराम को इस चीज़ पर एतराज़ हुआ कि ये तो सरदार की बेटी है, और इतनी अल्लाह ने साहब जमाल उनको बनाया था, इतनी वजीह थी वो कि बाकी लोगों को एतराज़ हुआ कि ये इतनी यानी कि जिसकी जल्दी मिसाल नहीं मिलेगी वो एक आम आदमी के पास क्यों चली गई, ये चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आनी चाहिए। चनाचे आयशा रदी अल्लाह ने फरमाती हैं कि सफ़िया रदी अल्लाह ने जो थी ये सफ़ी थी। सफ़ी यानी कि अल्लाह के रसूल का अपना इंतखाब, अपनी पसंद की चीज़, इसको सफ़ी बोला जाता है। तो माल गनीमत के साथ ताल्लुक़ रखने वाली ये सारी किस्में हैं जिसको दिलचस्पी अगर बंदा रखे तो थोड़ी थोड़ी जहन के अंदर खाका बैठ जाता है। खैर ये चीज़ें तो वक्त के साथ साथ याद होती हैं, लेकिन अगर इंसान इनको सुने सुनता रहे तो कुछ ना कुछ जहन के अंदर चीज़ें बैठती हैं। अब ये सारी चीज़ें जब आपने सुन ली तो अब आइए इस आयत मुबारक की तरफ, इसका तर्जमा हम आज पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर इसके अल्फाज की जो तशरीह है वो कल के दरस में करेंगे। वालमु और तुम खूब जान लो, अन्नमा सवाए इसके नहीं, गनीम तुम अन्नमा यकीनन जो गनीम तुम गनीमत के तौर पर लेते हो, मिन शैइन किसी भी चीज़ से, फअन्ना पस बेशक लिल्लाह अल्लाह के लिए, खुमुसहू उसका पांचवा हिस्सा है, वलिर रसूल और उसके रसूल के लिए और रसूल के लिए, वलिदिल कुर्बा और करीबी रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीन और मिसकीनों के लिए, वबनी सबील और मसाफरों के लिए, इन अगर कुन तुम हो तुम आमन तुम ईमान ला चुके, बिल्लाह अल्लाह के साथ, वमा और उस चीज़ पर, अनजलना जो हमने उतारा, आला पर आबदीना अपने बंदे, यौमा दिन अलफुरक़ान फैसला के, यौमा जिस दिन इल्तका मिली थी अलजमान दो जमातें, वल्लाहु और अल्लाह आला पर कुल्ली हर एक शैइन चीज़ कदीर कुदरत रखने वाला है। वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शै, खूब जान लो जो भी चीज़ तुम गनीमत के तौर पर लेते हो, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ بس اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے، وللرسول اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے پانچواں حصہ ہے، ولذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی اور یتیموں کے لیے بھی اور مسکین کے لیے بھی اور مسافر کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا اور اس چیز پر اگر تم ایمان لاتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، یوم الفرقان فیصلے کے دن،
जिस दिन हक और बातिल का फैसला हुआ, यौमन तकल जमान जिस दिन दो जमातें आपस में गुथन गुथा हुई थी, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस आयत मुबारका की इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसीर व आइंदा दरस में अल्लाह ताला इसको समझने की तौफीक अता फरमाए।